दोस्तों आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा जब भी आप किसी फिल्म स्टार को सेलिब्रिटी को देखते होंगे कि उन्होंने काफी कम दिनों में अपना काफी ज्यादा वेट लॉस कर लिया, अपना फैट लॉस कर लिया और एक वो स्लिम ट्रिम बॉडी में आ गए। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि भाई इन्होंने इतनी जल्दी ये कैसे किया, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने कैसे किया। तो आज का ये वीडियो आप देखिए, इसमें मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिन्हें आप जैसे ही करना शुरू करोगे आप देखोगे कि आपका वेट लॉस होने लगेगा, आपका फैट लॉस होगा, जो पेट पे आपकी चर्बी जमी हुई है, जो बैक में आपकी चर्बी जमी हुई है, वो सारी धीरे-धीरे खत्म होंगी, आप लोगों को लव हैंडल से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहली अपनी टिप पे आएंगे। आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सुबह सो के उठ रहे हैं तो आप लोग सबसे पहली चीज क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या चीज खा रहे हैं या पी रहे हैं, इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आपके पूरे दिन का खान पान कैसा होने वाला है। तो जब भी आप लोग सुबह सो के उठे तो अगर आप लोग टर्मरिक टी या फिर लेमन टी का यूज करते हैं, लेमन टी पीते हैं या टर्मरिक टी पीते हैं, तो ये करता क्या है, टर्मरिक क्या करता है, सबसे अच्छी चीज वो आपके थर्मोजेनेसिस को बढ़ा देता है जिससे आपकी बॉडी फैट लॉस फेज में चली जाती है और धीरे धीरे आपकी बॉडी फैट को बर्न करने लगती है। तो ये ध्यान रखना, सुबह सो के उठो तो टर्मरिक टी या लेमन टी का इस्तेमाल करो, फैट लॉस शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की अपनी बात करते हैं। आप सभी को यह बात पता है कि फैट लॉस करने के लिए डाइट पे कंट्रोल रखना जरूरी है, खान पान को आप लोगों को हल्का रखना होता है। तो आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बताता हूं जिसे बोलते हैं पोर्शन कंट्रोल। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने के पोर्शन को कम कर देते हैं और साथ में आप लोगों को 20 मिनट्स का रूल फॉलो करना है। क्या है 20 मिनट्स का रूल, जब भी आप लोग खाना खाओ तो सबसे पहली चीज कि आप लोगों की जो थाली में खाना होना चाहिए वो कम होना चाहिए। उसी के साथ में आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, रिसर्च में ये पाया गया है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को 20 मिनट बाद ये पता चलता है, हमारे माइंड को 20 मिनट बाद ये पता चलता है कि हमारा पेट भर गया है। तो आप लोग अगर 20 मिनट के पहले सारा खाना खा लेंगे तो आप लोग ज्यादा खाना खाएंगे जिससे आपका वेट बढ़ता रहेगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो भी खाना आप लोग खा रहे हो उसे धीरे धीरे खाओ, अपनी थाली में कम खाना रखो और धीरे धीरे खाओ। 20 मिनट से ज्यादा का समय लगाओगे अगर आप लोग खाना खाने में तो आप लोग कम खाना खाओगे जिससे आपका फैट लॉस काफी तेजी से बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी। उसके बाद में अपनी नेक्स्ट टिप की बात करते हैं जो कि है ईट हेल्दी इन इवनिंग। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि बहुत सारी पूरी दुनिया में रिसर्च की गई जिसमें यह पाया गया है कि सबसे ज्यादा जो फास्ट फूड लोग खाते हैं या जो भी ऑयली चीज खाते हैं या जो भी जंक फूड खाते हैं वो शाम के टाइम पे खाते हैं। आप लोगों ने यह नोटिस किया होगा कि जो भी फास्ट फूड कॉर्नर्स होते हैं या जो भी ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जिनमें फास्ट फूड मिलता है या जो भी ढाबे होते हैं जिसमें फास्ट फूड मिलता है वो ज्यादातर शाम को ऑपरेट होते हैं, शाम को खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। तो यही इसकी साइकोलॉजी है कि ज्यादातर लोग शाम को फास्ट फूड खाते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चीज को अपने माइंड से हटा दिया कि शाम को हमें कुछ ना कुछ स्नैक्स खाना है, आप लोग चाहो तो शाम को वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, उबले बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकते हो, तो आप लोगों का वेट लॉस काफी तेजी से होगा और आप देखोगे कि समय के साथ में आपका फैट लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी टोन्ड हो रही है। तो शाम को कभी भी जंक फूड नहीं खाना, नहीं तो तेजी से आपका फैट बढ़ेगा। फैट लॉस करना है, शाम को वेजीज खाओ, आप लोग देखोगे फैट लॉस जरूर होगा। नेक्स्ट टिप की अपनी बात करते हैं, जो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, स्वीट खाते हैं या डिजर्ट खाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। अगर आप लोगों को अपना वेट लॉस करना है तो खाने के बाद मीठा कभी नहीं होना चाहिए। अगर खाने के बाद आप मीठा खाते हैं तो आपका इंसुलिन बहुत तेजी से स्पाइक करता है और जैसे ही हमारी बॉडी का इंसुलिन स्पाइक करता है हमारी बॉडी फैट बर्निंग फेज से हट जाती है और वो स्टोर करने लगती है फैट को, उल्टा हो जाता है। तो अगर आप लोग खाने के बाद में मीठा खाना पसंद करते हो, डेजर्ट खाते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं खाना खाने के बाद में घूमते हुए चले जाते हैं और आइसक्रीम खा के चले जाते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। खाना खाने के बाद में कोई भी मीठी चीज नहीं खानी है, जो खाना खाया कम खाना खाओ और उसके बाद मीठी चीज नहीं खाओगे तो आपका वेट लॉस फैट लॉस काफी तेजी से होने लगेगा। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। आप सभी को यह बात
पता है कि ओबेसिटी जो भी हमारा मोटापा है ये हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा खराब होता है। जिसके भी ज्यादा मोटापा हो जाता है उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, उसी के साथ में थायराइड की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को अपने फैट लॉस को करना बहुत जरूरी है। जो भी फीमेल्स होती हैं उनको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा इश्यूज आने लगते हैं, साथ में मेल्स में स्पर्म काउंट्स की कमी होने लगती है, उसके साथ में जो प्रोडक्शन होता है स्पर्म का वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। मतलब इतने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मोटापे से। तो इसलिए मोटापे को कम करना, फैट को अपनी बॉडी से कम करना, ये आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोग अपने फैट लॉस की जर्नी को फास्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को आज मैं एक नेचुरल फॉर्मूले के बारे में बताता हूं जो कि आता है नेचर श्योर की तरफ से, अग्नि मंथा वेट लॉस कैप्सूल। ये आपके फैट लॉस करने में मदद करता है, मतलब आपकी जो आपकी फैट लॉस की जर्नी चल रही है उसको और स्पीड अप कर देता है, तो तेजी से आप अपने फैट लॉस को करने लगते हैं। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, जो भी बैड सब्सटेंस हमारी बॉडी में रुके हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, उन्हें ये बाहर निकालने में मदद करता है। आपकी आर्टरीज को क्लीन करता है, तो इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी बिल्कुल टॉक्सिक फ्री हो जाती है। नेचर श्योर का अग्नि मंथा वेट लॉस कैप्सूल पूरी तरह से 100% नेचुरल है, और सबसे अच्छी बात कि ये GMP और ISO सर्टिफाइड है, तो मतलब आपकी बॉडी के लिए ये बिल्कुल सेफ है, वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा है। जो भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, जब ज्यादा वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, तो उस फर्टिलिटी को सही करने में ये आप लोगों की मदद करेगा। तो कैसे इस्तेमाल करना है नेचर श्योर के अग्नि मंथा का वेट लॉस कैप्सूल, देखिए इसे मैन हो या वुमेन हो दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, जब आप लोग खाना खाने जा रहे हो तो खाना खाने से पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है। 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल आप लोगों को शाम को इस्तेमाल करनी है। हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे खाना खाने से पहले, तो आप लोग देखोगे कि आप लोग का वेट लॉस काफी तेजी से होने लगेगा, जिससे आपकी बॉडी टोन्ड हो जाएगी। और इसी के साथ में अगर आप लोग को यह जानना है कि अग्नि मंथा में क्या क्या इंग्रीडियंट्स पड़े हैं, क्या क्या चीजें यह करता है, तो आप लोग को नेचर श्योर डायरेक्ट डॉक्टर कंसल्ट प्रोवाइड करता है, जो कि पूरी तरह से फ्री होती है। क्या करना है कंसल्ट लेने के लिए डॉक्टर से, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक एक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग एक छोटा सा फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल कर दोगे तो वहां से आप लोग को डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। आप लोगों को जो भी कंसल्ट हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, वो सारे आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को नेचर श्योर के अग्नि मंथा वेट लॉस कैप्सूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब अग्नि मंथा कैप्सूल यूज करने के साथ साथ अगर आप लोग वर्कआउट भी करोगे ना, तो ये और तेजी से आपके वेट लॉस को प्रमोट करेगा। तो कौन सा वर्कआउट हमें करना चाहिए जिससे हमारा वेट लॉस हो, इसके लिए सबसे जरूरी चीज आप लोग को क्या करना है, रोज कम से कम आप लोग को 15 मिनट तो वॉक करना ही करना है, अगर आप लोग अभी बिगनर हो, अभी शुरुआत कर रहे हो वेट लॉस करने की। और धीरे धीरे समय के साथ में इसे 30 मिनट करना है, फिर और धीरे धीरे समय के साथ में इसे 1 घंटे करना है। तो मतलब धीरे धीरे करते करते समय के साथ आपको 1 घंटे डेली वॉक करना है। जैसे ही आपने अपना वॉक खत्म किया, वॉक खत्म करने के बाद में आप लोगों को 2 मिनट इस पोजीशन में आना है, जिसे हम बोलते हैं प्लैंक। प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो आपके लव हैंडल्स, आपके साइड फैट को रिमूव करने में मदद करती है। करती क्या है ये पूरी ओवरऑल बॉडी से फैट को हटाती है, केवल साइड फैट और आपका जो बेली फैट है वो नहीं हटेगा, ओवरऑल बॉडी के फैट को हटाएगी, जिससे आपके साइड फैट से भी काफी तेजी से फैट रिमूवल होने लगता है। उसी के साथ में जो हम अपना नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे, इसे हम बोलते हैं बॉडी वेट स्क्वैट्स। स्क्वैट करने से क्या होता है, हमारी ओवरऑल बॉडी के फैट को रिमूव करने के लिए, बैड सब्सटेंस टॉक्सिक को रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्या करना होता है स्क्वैट्स करने के लिए, हमें कुछ इस तरीके से हम स्क्वैट करते हैं, इसे बोलते हैं बॉडी वेट स्क्वैट्स। मतलब हमने अपने हाथों में कोई भी वजन नहीं लिया है, अपने शरीर के वजन से ही हम बॉडी वेट स्क्वैट्स करते हैं। इस तरीके से आप लोग अगर स्क्वैट्स करते हो, ये दोनों एक्सरसाइज मिला के अगर आप लोग 5 से 10 मिनट करते हो, साथ में आप लोग जो मैंने आपको 30 मिनट 1 आवर का जो आप लोग को वॉकिंग बताई, हल्की वॉकिंग करनी, ज्यादा तेज दौड़ना नहीं है, तो ये सारी चीजें अगर आप लोग एक साथ में करते हो और अग्नि मंथा कैप्सूल का भी इस्तेमाल करते हो, तो आपका वेट लॉस, बॉडी का जो फैट लॉस है, वो काफी तेजी से इंक्रीज होगा और समय के साथ में आपका वेट कम होने लगेगा, बॉडी टोन्ड होने लगेगी। बहुत जरूरी है ये सारी चीजें करना, नहीं तो आप अगर धीरे धीरे मोटे होते जाओगे तो और भी बहुत सारी इश्यूज जो भी मैंने आपको बताए वो सारे बॉडी में शुरू होने लगते हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी टिप्स हैं सभी को आप जरूर फॉलो करिएगा, और अगर आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं वेट लॉस से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो आप लोग को स्क्रीन पे वीडियो दिख रहे होंगे, इसी वीडियो पे कोई भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो, वीडियो पे क्लिक करके यहीं से डायरेक्ट आप लोग वीडियो को देख सकते हैं।